सो हेलो फैमिली, तो क्या चल, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। जो आज की जो हमारी टॉपिक है गाइस, ये आपको राशन कार्ड के बारे में है। और जो डीलर होते हैं गाइस, ये नॉर्मली आपको जो है स्टेट रूरल एरिया और रूरल एरिया दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं या राशन लेने के लिए गए और डीलर जो है हमको क्या बोलता है, भाई आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है या आज ये नहीं हुआ, अब कल हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, इस तरह का जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है गाइस। तो अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप नॉर्मली जो है आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी जो है कंप्लेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, जिससे कि उनके ऊपर जो है कोई भी कार्रवाई की जाए। तो भाई इसके लिए क्या करना होता है, जो है उनको मतलब उनको जो है आपके बारे में पता भी नहीं चलता। क्योंकि भाई गाइस मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आप नॉर्मल किसी को बोलते हैं या आप नॉर्मली अपनी जो है पोस्ट जो भी थाना होता है वहाँ जाके आप जो है कंप्लेन करते हैं, तो वो क्या होगा, तो मतलब खुद उतने जो भी डीलर होते हैं गाइस उस लेवल पे होते हैं कि उन्हें कुछ करने वाला तो है नहीं, कि थाने वाले जो है उसे बस 50-100-2000 जो भी देगा कि कहाँ से पाओ जाता है केस। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह कंप्लेन करें जहाँ पे जो आपके बारे में किसी को पता भी ना चले, यहाँ तक कि नॉर्मल जो राशन कार्ड कोई किसी को पता नहीं चले कि आपने कंप्लेन किया है लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो आप कैसे कर सकते हैं गाइस, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप जो है मेरे साथ बने रहना है और मैं आज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए, मैं आपको पहले बता दूँ गाइस। अगर आप किसी भी डीलर का अगर आप जो है गाइस कंप्लेन रेज करना चाहते हैं या उनके खिलाफ जो है कोई भी कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो उनके लिए आपको कोई सबूत जो प्रूफ होता है गाइस उसे कलेक्ट करना होगा। कलेक्ट कैसे करेंगे, नॉर्मली जो है अगर आपके पास कोई रसीद देता है, आपको बताता है कि इतना ही राशन मुझे मिला या इस बार जो है राशन नहीं मिला या आपसे कुछ ज़्यादा दाम मांग रहा है, तो उस तरह के जो आपको रसीद हो या फिर फोटोज या वीडियोज कुछ भी आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रूफ कलेक्ट कर लिया है गाइस, देन जो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो है गाइस। इसके बाद जो आप अगर चाहो तो कॉल भी कर सकते हो या लैंडलाइन नंबर मतलब जो है ऑनलाइन में और ये ऑनलाइन में दो आपको मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो आप कॉल करना चाहो तो गाइस मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको जो अपने स्टेट चूज कर लेना है, स्टेट के बाद जो आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ से जो है आप डायरेक्ट कॉल करके वहाँ कंप्लेन रेज कर सकते हैं। एंड नंबर टू, आप जो है ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए चलिए हम आप सिस्टम पे आते हैं और ये आपको स्क्रीन में वहाँ पे दिखाई देगा। सो फैमिली, जो मैंने इससे पहले जो आपको बताया था कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक ऑनलाइन और एक लैंडलाइन का, तो गाइस ये फर्स्ट जो है मैं आपको लैंडलाइन का बताने वाला हूँ और इसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आपने जो है लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते रहना है एंड जो है यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर इन स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट बाय स्टेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है। तो गाइस ये आपको टोल फ्री नंबर जो है कुछ इस तरह से ये स्टेट के जो है राइट हैंड में देखने को मिल जाएगा टोल फ्री नंबर, साथ ही साथ जो है लैंडलाइन नंबर, ईमेल मिल जाएगा और उसके बाद जो है NFSA लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप क्लिक करके जो है वहाँ पर ऑनलाइन का भी जो है ब्लू भी आप चाहो वहाँ से जो है फिल कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं http://nfsa.gov.in/state-bihar, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले जो है आपको जो CM है और जो UPCM है उनके बारे में जो है आप वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो है साथ ही साथ ही मेल ID मिल जाएगा गाइस। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे कंप्लेन करना है। जिस तरह से जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये जो है मेरा जैसे बिहार का हूँ, मैं अभी बिहार से हूँ, तो यहाँ पे जो है इस नंबर पे यार नोट कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट इसे सेलेक्ट करके कॉल पे जैसे क्लिक करोगे गाइस तो आपको जो है डायरेक्ट कॉल जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एंड देन जो है जब वहाँ से जो है आप आपको जो भी कंप्लेन है वहाँ से रेज कर सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल जो है मतलब हाइड करके रखा जाता है, आपके नाम को जो है गोपनीय रखा जाता है जिससे कि आपके ऊपर जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपके साथ भी जो है आपके कोटेदार जो हैं, आपके डीलर जो हैं, आपके कोई बहाना बना रहा है गाइस, तो आप चाहो तो आप भी जो इस पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं गाइस। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, और मैं ऑनलाइन की बात किया था तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहां से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, सॉरी मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते हो लेकिन उसे जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा। आपको जो है दूसरी वीडियोज़ बनानी पड़ेगी क्योंकि उसमें स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइस।